न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको बताया, जो पुराना बस स्टैंड है गांधी चौक का, वहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन हादसों का की जो संख्या है कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि अब नरवाना के जो पार्षद और चेयरमैन है उन्होंने एक बीड़ा उठाया है गांधी चौक की पर जो मूर्ति है गांधी जी की, इस मूर्ति को दूसरी जगह पर विस्थापित करने और यहां पर रेड लाइट की एक व्यवस्था करने के लिए पूरा यहां पर आशुतोष है जो इस वार्ड के और जो चेयरमैन है उन्होंने एक बीड़ा उठाया है और एक ज्ञापन भी SDM के नाम लिखा गया है। नरवाना के गांधी चौक पर सभी जो नरवाना के पार्षद और चेयरमैन हैं आज इकट्ठा होने का क्या बड़ा कारण है? जी, एक बाइक सवार था जो हमारे कॉलोनी से था, वो जैसे ही बाज़ार की तरफ से आया तो एक ट्रक जो बहुत तेज़ रफ्तार में था वो हमारा बाइक सवार बिल्कुल बाल बाल बचा। तो ये बात तो आज नहीं है, ये दिन में कई बार 10 बार होती है यहाँ पर और पिछले 2 साल से यहाँ पर कई मौतें हो चुकी हैं। तो आज दोबारा जब इस बात का पता चला तो सारे कॉलोनी वासी और दुकानदार, हमारे रामपाल सिंगला जी का फ़ोन आया, रिसाल सिंह जी, सब लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए क्योंकि यह हमारी बहुत पुरानी मांग है। यह कारण ये है कि जो हमारा ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर जब ये स्टेट हाईवे होता था तब नगर परिषद द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से एक चौक बनाया गया था, लेकिन वो चौक जो है अब चूँकि यह नेशनल हाईवे बन चुका है, वो चौक सर्विस रोड के बिल्कुल मध्य में आ गया है और जो सारा ट्रैफिक जो है वो उस चौक की वजह से एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाता, जिससे कि हादसे होते हैं। और दूसरी हमारी मेन समस्या यहाँ पे रेड लाइट की है। पिछले काफ़ी समय से हमने पहले भी 3-4 बार यहाँ इकट्ठे होकर के अपनी मांग रखी है, लेकिन जैसे ही आज पता चला फिर मैंने अपने दूसरे पार्षद साथियों को सूचित किया, वो सारे पहुँचे, सुशील जी, सत्यवान बेदी जी, बलजीत लन्ना जी, जितने भी आए यहाँ, तो हमने प्रधान जी को, विशाल मिर्धा जी को और हमारे बड़े भाई विशाल कैलाश सिंगला जी को इस बारे में सूचना दी। तो कैलाश सिंगला जी तुरंत चेयरमैन साहब को लेके यहाँ पहुँचे, तो सारे कॉलोनी वासियों ने, दुकानदारों ने, आसपास के रेडी वालों ने, हर दुकानदारों ने, मिस्त्रियों ने ये मांग रखी है कि इस चौक को यहाँ से विस्थापित कर दिया जाए मान सम्मान से, किसी भी पार्क में कहीं भी, और यहाँ पर रेड लाइट की व्यवस्था की जाए जल्द से जल्द, हर बार रखी है। ये कारण ये भी है कि यहाँ 25 गाँव का रास्ता ये पड़ता है, साथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स बॉयज़ और स्टेडियम, पॉलिटेक्निक कॉलेज और यहाँ पे ITI, बिजली बोर्ड का दफ्तर, जन स्वास्थ्य विभाग का दफ्तर, जितने तमाम KM कॉलेज और 25 गांव के बच्चे यहाँ से क्रॉस करके निकलते हैं और बाज़ार में से विशेष करके हमारे जो सुशील भाई साहब ने मांग रखी है पार्षद ने, और इन्होंने ये भी कहा है भाई जो बाज़ार से सिविल हॉस्पिटल में लोग आते हैं उनके लिए बड़ी गंभीर समस्या जो मरीज आते हैं, तो हमारी ये मांग थी आज, इसीलिए हमने इनको बुलाया है और हम मांग करते हैं पूरी कॉलोनी वालों की तरफ से जल्द यहाँ से इस चौक को स्थापित करके यहाँ रेड लाइट की व्यवस्था अति शीघ्र की जाए। आज नरवाना के गांधी चौक पर सभी जो नरवाना के पार्षद और चेयरमैन हैं आज इकट्ठा होने का क्या बड़ा कारण है? चेयरमैन साहब, आज नरवाना के गांधी चौक पर सभी पार्षद आपके साथ इकट्ठा है, आखिर क्या कारण है? आज हमारे आशुतोष पार्षद जी का फोन आया था सुबह, तो उन्होंने बोला था कि गांधी चौक पर एक हादसा होने से बच गया सुबह सुबह, तो उन्होंने बोला कि आप सभी कैलाश सिंगला जी और आप पार्षद साथी जितने हमारे साथ हैं तो वहाँ सभी पहुँचे हुए हैं, तो आप और कैलाश जी रह रहे थे तो आप दोनों भी पहुँचे, तो हमने पूछा कारण क्या था, तो उन्होंने कहा चौक के ऊपर लाल बत्ती लगवाने की मांग है, पिछले काफ़ी समय से उठती आ रही है हमारे चौकों पर, यहाँ पर कई हादसे भी हो चुके हैं, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई मौतें हो चुकी हैं हमारे चौकों पर, तो शहर की, पूरे शहर की डिमांड थी कि जितने भी हमारे नरवाना में मेन चौक है इनके ऊपर रेड लाइट का प्रबंध किया जाए, तो आशुतोष जी ने कॉल किया, तो मैर कैलाश शंकर जी तुरंत प्रभाव से हम यहाँ पहुँचे, जो इनका मांग पत्र था इन्होंने हमें दे दिया और हम, मैंने और कैलाश जी अंकल जी ने हमने मिलकर इनको आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही जो रेड लाइट के टेंडर है यहाँ पर टेंडर कर करके लाल बत्ती लगवाने का जल्द से जल्द वो करेंगे। तो क्या रेड लाइट के लिए भी वो जो MTD एग्रीमेंट था वो है? हाँ, रेड लाइट के लिए जो भी हमारे परमिशन लेनी थी हमने सभी परमिशनें सभी डिपार्टमेंट से लगभग हमने ले चुके हैं और जल्द से जल्द इसमें हमने महेश जी, कैलाश जी और आशुतोष जी, हम कई जगह पर जाकर इनकी जो परमिशनें रुकी हुई थी हम जाकर उनसे DC साहब से मिले थे UGM में, तो जल्दी ये
हमारे बीच लाल बत्तियाँ होंगी और नरवाना में तीन जगह पर लाल बत्तियाँ लगाई जाएंगी, नरवाना में गांधी चौक पर, विश्वकर्मा चौक पर और जो कोर्ट के पास है, तीनों जगह की बत्तियाँ मंजूर हो चुकी हैं। जल्द से जल्द इनका टेंडर प्रक्रिया होकर इनको जल्द से जल्द लगाने का कार्य किया जाएगा। गांधी तो किस तरह का विस्तार चाहते हो? जो यहाँ के आम जनमानस की लोगों की समस्या, इसको सभी पार्षद गठाया उसकी मीटिंग में हम डालेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर कोई किसी चीज़ से कोई दुर्घटना हो रही है तो हम इसको किसी दूसरी यहाँ से दूसरी जगह पर विस्थापित करें कि जहाँ पर कोई रास्ता में दुर्घटना हो। जब पहले ये सिर्फ हाईवे था तो ये मूर्ति हमारे जो गांधी चौक है थोड़ा बैक साइड में था, अब ये नेशनल हाईवे बनने के कारण रोड थोड़ा हो चुका है और ये जो हमारे गांधी जी की मूर्ति है ये चौक के सड़क के बीचों बीच आ चुकी है, लगभग जो लिंक रोड है इसके बीचों बीच आ चुकी है और इससे भी कई दुर्घटनाओं का कारण बनता है। तो इसको हमारे यहाँ के पार्षद की और हमारे जितने भी आसपास के लोग थे इन्हों की मांग थी कि यहाँ से गांधी चौक को विस्थापित किया जाए किसी दूसरे स्थान पर। मीटिंग रखकर जो भी इस पर उचित कार्रवाई होगी हम सब मिलकर वो करने का कार्य करें। आम जनता को जी इस पर ये कार्य फायदे होंगे कि एक तो दुर्घटना बचेंगे हमारे शहर में, क्योंकि जितना लगभग हमारा सरकारी हॉस्पिटल है तो रोड क्रॉस कर लगभग सभी को दूर पड़ती जाने के लिए, स्टेडियम है, सरकारी स्कूल है और काफ़ी गाँव में इस रोड पर लोगों का आवाजाही है, लोगों की ज़मीन है, हमारे परिवार की ज़मीन है जो बुग्गी लेकर अपना रोड क्रॉस करके जाते हैं, कई दुर्घटना हो चुकी है यहाँ पर, तो उसके दुर्घटनाओं से बचाव मिलेगा। कैलाश जी नगर परिषद की तरफ से क्या विशेष यहाँ पर कार्य किए जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सभी खुश रहें। आज का जो यह भाई आशुतोष शर्मा नगर परिषद प्रेमनगर से हैं, भाई रामपाल सिंगला जी हैं, रिसाल सिंह जी हैं, इन सभी ने आज मिलकर आज ये सभी इकट्ठे हुए थे क्योंकि जो ये हमारा गांधी चौक बनाया हुआ है पहले से ही यहाँ पे दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। उसका कारण ये है कि पहले ये स्टेट हाईवे था, स्टेट हाईवे कारण जब मूर्ति लगाई गई थी उसके पश्चात ये नेशनल हाईवे बन गया। नेशनल हाईवे बनने के पश्चात यहाँ पर लिंक रोड जो निकाले गए, लिंक रोड के बिल्कुल सामने अपोजिट महात्मा गांधी जी की प्रतिमा आ गई। यहाँ पर प्रतिमा आगे आने से जब साइड में से कोई ट्रैफिक आती है, कोई व्यक्ति आता है, कोई माता बहन की किसी गाड़ी आती है तो दूसरी साइड वाला आदमी दिखता नहीं, जिससे एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और कई यहाँ पे दुर्घटनाएं हो भी चुकी और इस बारे में प्रशासन को भी अवगत करवा दिया गया। उसी के हिसाब से आज यहाँ इकट्ठे सभी हमारे ओल्ड बस स्टैंड के लोग सभी इकट्ठे हुए थे और यहाँ पे लाइट की डिमांड थी जो पहले ही सभी पार्षदों ने मिलकर हाउस में पास करके डीसी साहब से और प्रशासन से इसकी मंजूरी ले ली, उसका जल्द ही टेंडर लगाकर यहाँ रेड लाइट लगने के पश्चात यहाँ पर ऐसी दुर्घटना नहीं हो पाएगी। और ये सबसे मेन बात यह कि जो हमारे नेशनल हाईवे है इसी हाईवे के ऊपर सभी इंस्टीट्यूट हैं, सभी संस्थाएं हैं जो डिपार्टमेंट की होती हैं, चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या स्टेडियम हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या पब्लिक हेल्थ का विभाग हो, तो सभी का आना जाना इस रोड से लगा रहता है। प्रशासन से भी हम यही मांग करते हैं इसकी देख रेख नेशनल हाईवे वाले ज़्यादा करें और नगर परिषद से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सका हम हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके जल्द से जल्द यह कार्य करवाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो महात्मा गांधी की मूर्ति यहाँ पर यहाँ से स्थापित की जाएगी? हाँ, इसको जहाँ भी पूरे शहरवासी और जो हाउस की मीटिंग में जो प्रस्ताव डालेंगे मान सम्मान के साथ, क्यों राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उनके मार्गदर्शन में ही सारा देश चल रहा है, इनका सम्मान करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है, सभी की देख रेख में ही सभी के सम्मान के साथ ही इसको विस्थापित करें, आगे कार्य की जाए। हाँ जी पार्षद साहब, आज किन समस्याओं के साथ आप सभी जो पार्षद और चेयरमैन साहब इकट्ठे हुए? देखिए ये जो हमारी समस्या है आज की बड़ी विकराल समस्या है और आशुतोष जी जो हमारे वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं, इन्होंने हमारे को सूचना दी कि हमारा जो ये नेशनल हाईवे है इस पर लगातार हादसे होते रहते हैं और सबसे बड़ा कारण ये है कि ये आम जन की समस्या है और ये जो हमारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है ये ब्लॉक होल में है। जैसे हम टर्न करते हैं, चाहे आने वाले हैं चाहे जाने वाले हैं, तो ब्लॉक होल में कुछ भी दिखाई नहीं देता और अक्सर यहाँ पर बहुत से हादसे हो चुके हैं और 2 साल से लगातार ये मांग चली हुई है। अब हमारी प्रशासन से ये पुरजोर मांग है कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को पूरे मान सम्मान के साथ किसी ऐसी जगह विस्थापित किया जाए जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र ना हो और इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। यहाँ फुट फेस में लेके
जो भी स्थान उचित होगा उसका हम निर्णय बाद में करेंगे।